So welcome friends, once again, today for the problem solving session. So we will solve the problem regarding to the current electricity. अब तक जहाँ हमने जो 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 पढ़ा है वो सब के लिए हम थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो मैंने क्या किया आपको, आई हैव गिवन अ पीडीएफ शीट अलॉन्ग विद दिस लेक्चर. तो उसको पीडीएफ को खोलो और पीडीएफ में एग्जाम्पल का नंबर है, 1, 2, 3, 4 नहीं है लेकिन जो नंबर है वो बता देता हूँ. तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 है. ओके, सो प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 6. सो प्रॉब्लम 1 आपके यहाँ होगा वो एग्जाम्पल 6 दिया. तो मैं अभी पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा जाता है उसमें. तो प्रॉब्लम क्या दिया है, उन्होंने बोला है अ करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज फ्लोइंग इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. करंट कितना दिया है, 4.8 एम्पियर. आई दिया है 4.8 एम्पियर इन कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. ए दिया है आपको, कितना दिया है, 3×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. और क्या पूछा है, फाइंड द करंट डेंसिटी इन द वायर. तो ये तो एकदम सिंपल है, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है. जे का फॉर्मूला दिया है मैंने, जे क्या होता है, I अपॉन ए. सिंपली डायरेक्ट उसको करो, 4.8 अपॉन 3×10⁻⁴. तो क्या हो जाएगा, ये एम्पियर है, ये मीटर स्क्वायर है. तो अपने को ऐसा यूनिट चेंज करने का देयर इज नो नीड ऑफ चेंजिंग द यूनिट. व्हाट विल डू, 4.8 अपॉन 3×, ये 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा. तो जे कितना हो जाएगा, 3, 3 1 3, 1 रिमेनिंग पॉइंट दिया 6. So 1.6×10⁴. पर करंट डेंसिटी है, उसका यूनिट क्या आएगा, करंट पर यूनिट एरिया, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो इसका आंसर आएगा, तो ये बन गया अपना प्रॉब्लम नंबर 1. एकदम सिंपल है, लेकिन वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस. अभी जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए. प्रॉब्लम नंबर 2, एग्जाम्पल 7. इसके बाद में बेटा मैं आपको एमसीक्यू भी दे दूंगा, ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है. पहले ये पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको मैं एमसीक्यू भी दे दूंगा. इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बीम हैज एपर्चर ऑफ 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. अभी एपर्चर किसको बोलते हैं, तो अगर मैं इसको बीम बोला, ये मेरा अगर बीम है, मतलब ऐसे रे बन के उसको बीम बनाते, तो ये इसका जो ये है, इसको बोलते हैं एपर्चर. इसको बोलेंगे हम एपर्चर. ओके, एपर्चर कितना दिया है, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर. ओके, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड. सो एन दिया है आपको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज गिवन एज 6.0. आपका एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, मेरे साथ साथ आप उधर निकाल के रीड करके रखो, चाहे तो इसको पॉज करो, पहले एग्जाम्पल रीड करो, उसके बाद में फिर से वीडियो देखो. ऐसा करो, एक एक प्रॉब्लम है उसको पॉज करके पहले प्रॉब्लम पढ़ो मोबाइल पे, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद फिर से ये अनपॉज करो और वीडियो देखो. तो उन्होंने क्या दिया है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू एनी परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन पर सेकंड इज 6.0×10⁻⁶ दिया है. और क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट डेंसिटी इन द बीम. कैलकुलेट द करंट डेंसिटी इन द बीम. क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है आपको, एपर्चर जो आपको दिया है वो. नाउ करंट डेंसिटी पूछा है आपको, आएगा आपका आंसर. देखते हैं अभी आंसर आता है कि, आंसर मैंने लिख के लिया इधर. अभी देखो, करंट डेंसिटी के लिए J इज इक्वल टू I अपॉन A. लेकिन आपके पास करंट नहीं दिया है आपको, खाली और टाइम भी दिया है, एक मिनट टाइम भी दिया आपको. टाइम कितना दिया है,
टाइम दिया है पर सेकंड, ओके तो नो प्रॉब्लम, टी को ले लो 1 सेकंड, तो आपका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। अभी यहाँ पे I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी यूज करने का करंट क्या होता है, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्यू की जगह आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, क्यू की जगह आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, सो अपॉन टी, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसे कितने हैं एन, तो क्यू की जगह लिखवा एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इधर डाला तो ये क्या बनता है एन ई अपॉन टी बन जाता है। अब ये अगर बन गया एन ई अपॉन टी, तो इधर वैल्यू डालते हैं हम 6.0 × 10⁻⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ डिवाइडेड बाय, इधर ए बी बन जाएगा ना, ए बी है ना, ए कितना है 10⁻⁶ इंटू 1, 16 × 6 = 96, सो 0.96 इंटू ये 16, ये माइनस 19, ये माइनस 3 हो गया, और ये माइनस 6 का ऊपर जाके प्लस 6, प्लस 6 माइनस 3, तो ये प्लस 6 माइनस 3, सो प्लस 3 हो गया है, तो यहाँ पे कहीं पे भी तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, और 6.0 इट विल कम 9.6, क्योंकि ये 1.6 है ना, 1. और ये 6 ही है, इसको 6 ही पकड़ो तो आ गया 9.6 लगे, बराबर है, बराबर, तो ये आ गया आपका करंट डेंसिटी 9.6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये कर लो, ये ऑलरेडी हो गया है। नाउ वी विल टेक थर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या है, बड़ा वाला प्रॉब्लम है, ओके ये आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूं, मतलब आप कर लो, अगर नहीं आता है तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा पर्सनली। तो प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने आपको दिया है होमवर्क, वो कौन सा है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8 होमवर्क दिया है, ये आपको होमवर्क करना है। हिंट मैं दे दूंगा यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, ओके इसमें क्या दिया है, एस्टीमेट ए दिया है, ए ए में क्या पूछा है, एस्टीमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, क्या पूछा है, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर, CU वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वेयर कैरिंग करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज डी ऑफ कॉपर इज 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटोमिक मास इज 63.5 U। अब ये U क्या है, U होता है एटोमिक मास यूनिट, AMU बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, AMU, तो AMU टू KG उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ओके वो सब कन्वर्जन फैक्टर मैंने यहाँ पे मेरे साथ रखा है, मैं आपको दे दूंगा। और क्या पूछा है, फिर से एक बार मैं उसको रीड कर लेता हूँ, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिप स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर कैरिंग करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स एटोमिक मास इज 63.5 U, ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो आपके लिए लिख के देता हूँ, इसमें आपको देना होगा एक मिनट, मैं आपको क्या क्या देने वाला था,
उसका डेंसिटी दिया ना उन्होंने, यस 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 9 पॉइंट, हाँ डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया बराबर। तो डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैंने ये डेंसिटी लेना है तो इसको 1 क्यूबिक मीटर लेना है, तो मास अवेलेबल इन 1 क्यूबिक मीटर, वो डेंसिटी दिया है आपको, कितना दिया है डेंसिटी, कितना दिया आपको, वो दिया 9.0 × 10³। ओके ओके, नो 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 प्रॉब्लम फॉर दैट। तो और उसका एटॉमिक मास भी दिया, दे हैव गिवन द एटॉमिक मास आल्सो। ओके, और क्या दिया आपको, ये दिया है 9.0, या एटॉमिक मास भी दिया है। ओके तो बाकी कुछ नहीं है अभी, आप क्या करो अभी, इस यू का मैं बाद में आपको कन्वर्जन फैक्टर देता हूँ, लेकिन वो करने का जरूरत नहीं है, एटॉमिक मास यूनिट डायरेक्टली ये एटॉमिक मतलब मास नंबर उसका यूज करते हो। तो आप ट्राई करो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो आपको फॉर्मूला मिलता है वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। इसमें से आपको क्या क्या दिया है, आपको आई दिया है, आपको ए दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो मालूम है, आपको खाली ये एन पता करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 cc ऑफ कॉपर, तो इससे पता चलेगा ये एम है और ये आपको डेंसिटी दिया है, डेंसिटी कितना दिया है, ये देखिए डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपको मास नंबर मालूम है। एंड इसमें आता है ना एवोगाड्रो नंबर, एनए, एनए को यूज करना पड़ता है, जैसे आपने अपने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था वैसे आप ट्राई करो एंड ट्राई टू गेट द आंसर। लेट मी गिव यू द आंसर, हाउ मच इट इज कमिंग, आंसर इज कमिंग, आंसर इज कमिंग 1.1 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकंड। ये आता है आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आप, आपको उन्होंने पूछा है उसका ड्रिप स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड जो है, कंपेयर द ड्रिप स्पीड ऑब्टेन अबव विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। तो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो ये बाद में करते, तो ये बी वाला सेक्शन डोंट डू, सो डोंट सॉल्व सेक्शन बी, आपको सेक्शन बी सॉल्व नहीं करना है, खाली आपको सेक्शन ए सॉल्व करना है, उसका आंसर आ रहा है इतना। तो ये जेट से याद करो और उसको लिख के ले लो, अगर नहीं आता है तो मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर यू, जैसे इसको नोट डाउन करके लो, बाद में आगे वाले प्रॉब्लम के लिए जाता हूँ। रेडी? ओके, प्रॉब्लम नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9 ऑल्सो डोंट सॉल्व राइट नाउ बिकॉज इट कंटेन्स VRMS, ये VRMS आपको मैंने सिखाया नहीं, क्योंकि देखे क्यों रखा है, वही शीट आपको रेफर करके फिर से मैं जब VRMS सिखाऊंगा उस टाइम में ये आपको प्रॉब्लम सिखा के दिखाऊंगा। और आपको बाद में कौन सा प्रॉब्लम दिया है मैंने, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन पीस ऑफ सिल्वर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये दिया है ना आपको। ओके ओके ओके, ये तो कर सकते हैं आप। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम
डायरेक्ट थ्री, इसको बोलेंगे हम एग्जाम्पल नंबर कितना दिया है 10। What is the number of electrons in the piece of silver? तो n पूछा है। क्या दिया है? Given material क्या दिया आपको? Silver दिया। Calculate the number of free electrons in the silver of cross section. मतलब area दिया। 1.0 into 10 raised to minus 6 4 meter square. And length 1 meter. L will be 1 meter. Atomic weight दिया है। Atomic weight कितना दिया है? 108। Density? Density कितना दिया आपको? 105 into 10 raised to 2 kilogram per meter cube. Assume that there is one free electron per atom. Assume that there is one free electron per atom. Okay. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसका वॉल्यूम करना पड़ेगा ना? तो पहले उसका वॉल्यूम करो आप। पहले उसका वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। तो पहले वॉल्यूम पता करो। ये भी पूरा नहीं दिखाने वाला, आपको हिंट देता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है, बाकी लोग का भी वीडियो करना है। राइट नाउ वी ऑल आर मेकिंग द वीडियोस फॉर यू पीपल, सो ऑल आर इन द क्यू। स्टिल आई विल ट्राई टू गिव द आइडिया। एरिया कितना दिया है? 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू लेंथ कितना दिया है? 1। तो अपना वॉल्यूम बन गया मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर। अभी एटॉमिक वेट कितना दिया आपको? 108 दिया। एक्चुअली कितना दिया आपको? 1 मिनट ना, लेट मी चेक इट अगेन वेदर इट इज गिवन 100 एंड ओके कितना दिया है? 108। ओके ओके, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो वो ठीक है, बराबर है, करेक्ट है। तो अगर एटॉमिक वेट 108 दिया है, इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 108 एटॉमिक वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू Na। एवोगाड्रोस नंबर 6.3 इंटू 10 रेज़ टू 23। तो आपको करना पड़ेगा, अगर इसमें एवोगाड्रो नंबर है सिक्स पॉइंट थ्री इंटू 10 रेज़ टू 23, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कितना दिया आपको? 105 डेंसिटी दिया है ना। अभी डेंसिटी इन गिवन मास बोलते हैं, इज इक्वल टू क्वेश्चन। तो ये मास पता करना पड़ेगा। मास पता करने के लिए आपको दिया है वॉल्यूम, तो आप कैसे करेंगे? यहां पर देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन volume, implies that mass will be equal to density into volume. So density kitna diya beta? Density to diya hai 105 multiplied by 10 raised to 2 into volume kitna diya hai? 1 into 10 raised to minus 4. तो ये दो, इसको ये चला गया, इधर 10 रेज़ टू माइनस 2 बच गया, इसका मतलब है मास कितना होगा? 1.05 केजी। तो आपको सिंपली करना है, अगर 108 केजी में एवोगाड्रो नंबर 6.3 उसका भी आता है, लेट मी चेक इट, इट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, बट फॉर द सिंप्लिसिटी या 6.003 ये आता है ना, और 26 आता है ना, अरे इन्होंने ऐसे कैसे किया,
इट्स ओके, विल डू दैट। ये बराबर 10^23, अगर इसमें ये आता है तो आपके 1.05 केजी में कितना आएगा, तो आप अभी पता कर सकते हैं। आपको ये वॉल्यूम आपने किया है, वॉल्यूम से आपने मास भी निकाला है। अगर मास आपने निकाला है तो इतने मास के लिए कितना नंबर आएगा, आपको मैं आंसर बता देता हूँ, आप ट्राई करो और आंसर निकालो। आंसर इज 5.856 इंटू 10^24 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका आंसर आएगा। तो पहले से मैं फिर से आपको बताता हूँ क्या क्या किया मैंने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, मटेरियल कौन सा था, सिल्वर का, उसका एटॉमिक वेट कितना दिया था 108, तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 108 ऑफ केजी ऑफ एजी इज एवोगाड्रो नंबर, तो 105 के लिए कितना आएगा। तो 105 कैसे निकाला मैंने, तो मैंने वॉल्यूम लिया, एरिया दिया है आपको, लेंथ भी दिया है ए इंटू एल, तो वॉल्यूम निकाला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास मैंने लिया 105, वो मेरा आ गया। तो फॉर 108 इतना है, तो 105 के लिए कितना आएगा, तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ये नोट डाउन कर लो, वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका क्या है, सॉरी, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको क्या निकालना है, यह है आपका एग्जाम्पल 11 जो आपकी पीडीएफ में है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिल्वर वायर, तो क्या करना है आपको, वीडी निकालना है, मटेरियल कौन सा है, सिल्वर है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिल्वर वायर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए कितना दिया आपको, 3.14 × 10⁻¹⁸ मीटर स्क्वायर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 20 एम्पियर, ए दिया है, एन ए दिया है आपको 6.023, हाँ मैंने आपको दिया था ना एवोगाड्रो नंबर, उसमें 23 दिया था, वो गलती से दिया था, ये 0 23 है, वो उधर यूज करो पहले वाले प्रॉब्लम में, वेरी सॉरी फॉर दैट, वो मैंने प्रिंट मिस्टेक, इंटू 10^23, ये एवोगाड्रो नंबर दिया है आपको, और बाद में क्या दिया है, एटॉमिक वेट दिया है, एटॉमिक वेट कितना दिया है, 108 दिया है, डेंसिटी 10.5 × 10³, ये तो सेम आएगा आपका जैसे आपने वो किया था ना, ई दिया है 1.6, ये तो अपने को मालूम है। ओके, ये सब सेम है। ओके, इसमें कुछ ये नहीं है, खाली ये आपको निकालना है, ठीक है, आप कर सकते हो, इसका आंसर देता हूँ मैं, तो हम करते हैं अभी 6.798 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, अब इसको करने के लिए ट्राई करते हैं। ओके, तो ट्राई करने के लिए देखो, पहले वीडी का फॉर्मूला देखो, वीडी इज इक्वल टू, तो आई का लिखा लो, आई से वीडी का मिलेगा, एन ई ए इंटू वीडी है, तो अगर आई इज इक्वल टू एन ई ए वीडी है, तो आपका वीडी कितना आएगा बेटा, आई अपॉन एन ई इंटू ए। अगर आपका वीडी आता है आई अपॉन एन ई ए, तो आपको क्या क्या दिया है, आई दिया है, ए दिया है, तो आई मिल गया, ए मिल गया, ई भी दिया है आपको, तो आपको एन निकालना, तो अभी तो हमने किया था, तो उसका डेंसिटी दिया है बराबर, तो मास निकालना है, तो उसका वॉल्यूम नहीं दिया है ना, वॉल्यूम दिया है क्या उन्होंने, वॉल्यूम वन देने का होगा, वॉल्यूम दिया नहीं है, तो देखता हूँ, हाँ वॉल्यूम आपको लेंथ, और लेंथ कितना दिया, लेंथ आपको नहीं दिया है उसका,
ओके, और उसको नो प्रॉब्लम है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ओके, तो आप क्या करो, लेंथ को यूनिट पकड़ो, वन यूनिट। तो 108 के लिए 6.023 इंटू 10^23, तो यूनिट वॉल्यूम, अगर यूनिट वॉल्यूम है तो इसलिए वन लेने का, उसके लिए कितना आएगा, ये जो आएगा एक क्वेश्चन मार्क मैंने डाला है, वो आएगा आपका एन, और वो एन आपको इधर डालना है, और बाद में आपने वैल्यू इधर डाला, इफ यू पुट द वैल्यू यू कैलकुलेट दैट, देन यू विल गेट द आंसर टू बी दिस। सो फ्रेंड, दैट वॉज ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड ऑल। MCQs are not yet there. I'll give you the MCQs for practice. Still, some subject related problems are there. I'm trying to touch the problem. Example 12 है, तो आपको उसका कुछ problem नहीं है, directly ohms का use करना है। Discharge tube, example number 13, आपको अभी नहीं करना है, I'll be giving the idea, कर भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Example 12 है ना, 12 आपका स्टीरियो सिस्टम का है, उसमें आपको क्या करना है, खाली R is equal to V upon I करना है, लेकिन उसमें आपको पोटेंशियल का डिफरेंस दिया है। 13 आपने निकाला है, लेट मी रीड द प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम नंबर 30 को मैं रीड कर देता हूँ। एक जितना प्रॉब्लम दिखने के लिए बड़ा उतना वो सॉल्व करने के लिए आसान, और जितना प्रॉब्लम दिखने के लिए छोटा उतना सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट। दिस इज द टेक्निक, क्या है, the more and more bigger the problem is there, more and more it will be easy, and less and less, a very short problem is there, it will be surely, not always but most of the times it will be surely confusing. So main is problem ko read karta hu. Problem 5 mein kya hai, aapka example 12, a certain car stereo system draws a current of 400 milliamp, that is 400 into 10 raised to minus 3 ampere, connected to 12 volt battery. A, what is the resistance of the stereo system? B, the stereo is left playing for the battery for several hours while the engine is off. Finally, the battery voltage begins to drop. The radio can continue to operate until the current drops to 320 milliampere. Okay, at what battery voltage does the stereo stop working? At what battery voltage does the stereo stop working? तो A का आंसर है, A का आंसर दिया है 30 ओम, और B का आंसर दिया है 9.60 वोल्ट, ये आपको आंसर दिया है। तो अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। पहले तो इसका R निकालने के लिए R is equal to V upon I, ये तो एकदम सिंपल है। V कितना है आपका, 12 है, सो आप लिख लोगे 12 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाय 10^-3, ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 0.4, दैट विल काउंट टू बी 120 अपॉन 4, ओके, सो 30, तो R तो आपका आ गया 30 ओम। तो उन्होंने आपको क्या दिया है, अभी I आपका 320 मिली एम्पियर तक, अप टू 320 मिली एम्पियर तक ड्रॉप होता है, कम होता है, तो उसका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो जाएगा, तो आपको सिंपल मालूम है। क्या है बेटा, आपने अगर ग्राफ निकाला V वर्सेस R का, तो ये स्लोप आता है, ये आता है आपका R, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो R तो अपने को मिल गया, कितना मिल गया 30 ओम मिल गया। तो अभी स्टीरियो क्या किया है, जब वोल्टेज 12 वोल्ट था, सिंपल है एकदम, जब वोल्टेज 12 वोल्ट था तब करंट कितना था, हमने निकाल दिया, उधर लिखा है 400 मिली एम्पियर। तो अगर वोल्टेज एक्स है, कौन सी वोल्टेज के लिए उसका
320 मिली एम्पियर बन जाएगा, तो नो प्रॉब्लम, डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो वो वोल्टेज निकालने के लिए वी विल कॉल दैट टू बी वी टू बी आई इंटू आर। तो आई अपना बन गया 320 इंटू 10^-3 इंटू आर कितना 30 बन गया। ये 0 और ये -3, ये 3 और इधर -1, मतलब इसको मैं 3.2 × 3 कर दूँ 9.6, तो आ गया मेरा 9.6 वोल्ट। तो ये एक मेरा आ गया आर 30 ओम, दूसरा आ गया मेरा 9.6। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6। This is the last problem. After this, our lecture will be end. Okay, and remaining problems I will solve tomorrow. ये है आपका example number 13. इसमें क्या दिया है? मैं पढ़ लेता हूँ, आप अपना PDF करो। In a discharge tube, the number of hydrogen ions, that is protons, hydrogen ion means proton, drifting across cross section per second is 1.0 × 10^80। मतलब ये क्या दिया? उन्होंने किया है n दिया है, कितना दिया आपको 1.6, अरे 1.0 × 10^80। The number of electrons drifting in the opposite direction across इनको बोलो आप n प्रोटॉन बोलो, np बोलो, और n इलेक्ट्रॉन कितना है, कितना दिया आपको 2.7 × 10^18 दिया, इन द अपोजिट डायरेक्शन। एंड इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज 230 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज 230 वोल्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस? तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। एक्चुअली यहाँ पे ये आपको दिया है एन पी एन एन ए, ओके, तो क्या करने का, देखो जब हम बोलते हैं when we think that electron is moving in this direction, suppose यहाँ पे कितना 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे, okay? और उन्होंने दिया है प्रोटॉन से 2 प्रोटॉन इधर से इधर जा रहे। मैंने आपको बोला है अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, मतलब क्या, इधर वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, इधर नेगेटिव करता है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इधर का प्रोटॉन इधर से इधर आया, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे क्या करने का आपको, व्हाट टू डू हियर इज दैट इलेक्ट्रॉन कितना गया आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना गया 2.7 × 10^18, और यहां से प्रोटॉन कितना आया 1.0 × 10^18। उसको आप बोल सकते अगर प्रोटॉन यहां से यहां आया, इफ द प्रोटॉन इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो आप ये np जो है 1.0 × 10^18 इसको अगर ऐड करते हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाए, तो आपको कितना मिल जाएगा, सो टोटल चार्ज q आपको मिल जाएगा ne। तो ne में क्या करने का, np प्लस ne इंटू e, बाकी तो दिया है आपको, तो हो गया। और ये क्यू कितना बन गया 2.7 + 1.0 × 10^18, इसको कॉमन लिया मैंने, इंटू 1.6 × 10^-19 हो गया।
टाइम कितना लेने का, टी को पर सेकंड, वन सेकंड ले लो, अभी हो गया आपका काम। V इज इक्वल टू आई आर, तो आर विल बी V अपॉन आर। टाइम दिया है क्या आपको? अगर टाइम दिया है तो करना पड़ेगा। लेट मी चेक वेदर टाइम इज गिवन। टाइम इज नॉट गिवन, वन सेकंड इट इज देयर। आंसर आता है 388.5 ओहम। तो देखते हैं आता है कि अभी देखो V कितना दिया आपको, 230 वोल्ट अपॉन ये क्यों है अपॉन Q अपॉन T। तो I कितना आएगा, यही आएगा Q अपॉन 1, दैट इज Q, जितना वही वैल्यू आएगा। तो मैं ये डायरेक्टली इधर लिख देता हूँ, 2.7 प्लस 1 3.7 इंटू 10 रेस्ट टू 18 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 19। तो ये कितना बन गया, इधर दिखाता हूँ आपको, 230 डिवाइडेड बाय ये 1.6 इंटू 3.7। ओके कितना है, 16 से 11 कैरी, 3 कितना हो गया, ये माइनस 1 हो गया। तो ये आर विल बी 230 अपॉन 0.592। इसको अप्रोक्सीमेट किया तो आप बोल सकते हो 230 अपॉन 0.6। तो ये बोल सकते हो 2300 अपॉन 6। तो आर कितना, 6 3 18, 50 रिमेनिंग, 6 8 48, 2 रिमेनिंग, 20 हो गया 3। मेरा तो 383 तक आ रहा है, उनका ज़्यादा रहा है क्योंकि मैंने इधर 0.592 को एवरेज करके 0.6 लिया। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। स्टिल फ्रेंड्स, इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल, और भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो उसका मैं सोल्यूशन आपको भेज देता हूँ। अगर किसी प्रॉब्लम में दिक्कत है, जस्ट कॉल मी, जस्ट आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप, एंड आई होप इट इज़ क्लियर टू यू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू द करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द ओहम्स लॉ। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, और भी एमसीक्यू बाद में हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स अ लॉट टुडे, आई थिंक सम बिग सेशन इज देयर। इट्स ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। After watching all the videos of all the subject, try to solve these problems. Solve in your notebook. If any doubt is there, ask me. Have a good day. Thanks a lot.